अभी हम लोग नहा के बिल्कुल रेडी हो गए, सोडा वाड़ रहे हैं, चंचलदार बम बम बोले। हम लोग अभी ढाकतकली से लगभग 6 किलोमीटर दूर से हैं और इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ है ढाकतकली को, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग अभी लोकनाथ में खड़े हैं, बहुत बड़ा लाइन है, लगभग 1 घंटे से खड़े हैं। तो हम लोग का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग स्टेशन के पास में आके बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग नहीं, अभी बज गया है दोपहर का 11:30 बज चुका है और शायद ड्रेस देख के पता चल ही चुका है कहाँ जाने वाले हैं आज। सो आज हम लोग जाने वाले हैं तारकेश्वर और हम लोग कंवर यात्रा पे निकले हैं, मतलब पैदल जाएंगे पूरा 40 किलोमीटर तक। इधर से हम लोग जाएंगे सेवड़ाफुली और सेवड़ाफुली से पैदल जाएंगे पूरा तारकेश्वर, जो कि लगभग 38-40 किलोमीटर्स होगा। और मैं तो पूरा रेडी हो चुका हूँ और अभी दूसरा जो सामने का जो मंदिर है उधर से धूप बाती देके आ गया, तो थोड़ा सा भीग गया, बारिश आ गया। सो नेपाल का जो सीरीज़ का एक लास्ट आखिर का जो वीडियो है वो बस बाकी है, उसको डाल दूंगा, फिर उसके बाद ही ये वाला वीडियो आएगा। और आज मैं अकेला नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि पैदल जाने वाले तो अकेला जाना मतलब बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा। तो हम लोग एक 5 लोग का एक ग्रुप है, तो हम लोग ग्रुप में जाएंगे। सो वो लोग रेडी हो रहा है तो जल्दी से मैं भी रेडी हो जाता हूँ और थोड़ा कुछ बाकी है, तब तक आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं क्या क्या तैयारी करके रखा। ये जो बांक है ये मैंने बनाया घर पे, वैसे उधर भी बिकता है लेकिन मैं एक्चुअली ये पीतल का घड़ा लेके जा रहा हूँ, जो दो दो करके एक शेड में है। सो थोड़ा सा भारी होने वाला है इसलिए मैं घर में ये वाला जो बांक है घर में बनाया है। सो वीडियो पूरा देखते रहिए, मज़ा ज़रूर आएगा, मैं अपडेट देता रहूँगा रास्ते पे। सो ये मैं नया फ़ोन में वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद क्वालिटी थोड़ा बहुत अच्छा आए। सो देखते वो लोग टोटो में रेडी हो चुके हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। ये बैग में वो पीतल का घड़ा है और ये बांक और ये साइड बैग ले चुका हूँ, तो चलिए जल्दी से रास्ते में जाके। तो हम लोग अभी टोटो से जा रहे हैं धूलागढ़ जा रहे हैं, धूलागढ़ से अभी एक और टोटो या ऑटो करके फिर सांगरेल चले जाएंगे। और मेरे साथ बैठे हैं सौरभ, सामने बैठे हैं सुमन, सुरजीत और एक जन है जो कि बाप रे, जो कि धूलागढ़ में वेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो रास्ता बहुत खराब है, अभी सब फोटोशूट चल रहा है इधर। हम लोग का कैमरा मैन सुरजीत और ये हम लोग का मॉडल एक और मॉडल है इधर सौरभ, सौरभ छवि तल और ये हम लोग का 5वां मेंबर हम लोग का ग्रुप का चंचल दा बाद में आया। तो हम लोग अभी सांगरेल में हैं, इधर से सीधा हावड़ा जाएंगे, हावड़ा से सेवड़ाफुली का ट्रेन पकड़ेंगे। सो थोड़ा वेट करते हैं, आगे स्टेशन में आ ही चुका है। हम लोगों का बांक बिल्कुल रेडी है और हम लोग अभी घाट की तरफ जा रहे हैं। सो हम लोग अभी सेवड़ाफुली घाट में आ चुके हैं, 5 लोग हैं और पीछे बांक रेडी हो चुका है, अभी नहा लेंगे और घाट में पानी डाल के इधर से निकल पड़ेंगे। इधर है 5 लोग, 4 बज चुका है, लगभग 5 बजे के अंदर इधर से निकल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से नहा लेते हैं। ये सब लोग नहा के अभी आ रहे हैं, मैं भी नहा के आया लेकिन मेरा वीडियो करने का कोई नहीं है। अभी हम लोग नहा के बिल्कुल रेडी हो गए, छोड़ा वाड़ रहे हैं, चंचलदार बम बम बोले हर हर महादेव।
बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अभी दीदी रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ से अभी निकलते हैं। चलिए जल्दी। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 4:45, मतलब 4:45 हो रहा है और हम लोग अभी निकल रहे हैं। सूर्यजीत अभी भी लगे हुए हैं, वो सबको रेडी कर दिया है, वो उसका अभी लेट हो गया, तो वो भी ले चुका है। भोले बाबा, यही बस एनर्जी आखिर तक रखना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, बम भोले। तो इंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम लोग। आसम एक्सपीरियंस बोल। अभी तो बस शुरू हुआ है, अभी बहुत बाकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, पार्टी मतलब ये यात्रा शुरू हुआ है, तो बहुत बाकी है। इस साल लोग बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2 साल बंद हुआ, तो इस साल बहुत ज़्यादा है। और हम तीनों जो जोड़ी है, तीनों एक साथ है, मैं सूरजीत और सुमन एक साथ है, तो भीड़ थोड़ा ज़्यादा है इस साल। तो हम लोगों को जो पता है, डाकाशकाली के बाद थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। हम लोग अभी ज्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे, बम बम बोले। और पीछे जो सेवा दिख रहा है, इधर बहुत डांस हुआ हम लोगों का। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं डाकाशकाली। टाइम इज 11:34 और इधर कोई भी रोशनी नहीं है। मैच का जो लाइट है, इसमें हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं। और अभी भी जो काशी विश्वनाथ है, वो अभी भी 4-5 किलोमीटर बाकी है, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हम लोग अभी पांचों का ग्रुप, अभी 5 लोग ही हैं और हम लोग अभी काशी विश्वनाथ आ चुके हैं और बहुत फट चुका है यार। और 500 मीटर बाकी है काशी विश्वनाथ। अभी भी काशी विश्वनाथ में ही है और इधर थोड़ा बहुत खाना पीना किया और जूस पिया, लेकिन फिर भी एनर्जी बहुत ही कम लग रहा है। तो चलिए इधर देखते हैं। फिर इधर सौरभ तो बिल्कुल सौरभ है, चंचलता है, सूरजी जूस उपाटा है, इधर सुमन है, जूस पी रहा है अभी, लेकिन जूस पी के भी कोई काम नहीं आ रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत एनर्जी लो ही लग रहा है।
और फिर भी चलिए, और 15 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी भी लोकनाथ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और अभी बज रहा है लगभग 2 बजे, और हम लोग यहाँ पे रेस ले रहे हैं। तो देखते हैं, थोड़ा रेस लेते लेते जा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, बहुत टायर लग रहा है। तो हालत तो थोड़ा टाइट हो चुका है, देखते कब तक तारकेश्वर जो मंदिर है उधर तक पहुँचते हैं, और कब तक जो लोकनाथ बाबा है उधर तक पहुँचते हैं। अभी लोकनाथ में खड़े हैं, बहुत बड़ा लाइन है, लगभग 1 घंटे से खड़े हैं, और लाइन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आगे से शायद पैसा लेके रुका रहा है, इसलिए बहुत लेट हो रहा है। तो राइट नाउ द टाइम इज 6:15 ऐसे कुछ होगा, और इसके बाद हम लोग सीधा तारकेश्वर जाके देखेंगे। तो हम लोग का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम लोग स्टेशन के पास में आके बैठे हैं। थोड़ी देर बाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ेंगे और इधर से चल जाएंगे, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो इस साल बहुत जल्दी हो गया।